नमस्कार, बॉस लॉक्स इंस्टॉलेशन गाइड में आपका स्वागत है। ये है पुश बटन सिलिंड्रिकल लॉक, जो आता है अल्ट्रा डिंपल की और रेगुलर की के साथ। ये इंस्टॉलेशन वीडियो सारे सिलिंड्रिकल लॉक के लिए सुटेबल है, फॉर बेडरूम डोर विथ रेगुलर की, फॉर बाथरूम डोर, फॉर ऑफिस डोर विथ रेगुलर की, फॉर बालकनी डोर, फॉर बेडरूम डोर विथ डिंपल की। चलिए लॉक के सारे कंपोनेंट्स से परिचित होते हैं। की साइड बॉडी, नॉब साइड बॉडी, लैच असेंबली, कवरिंग, डोर प्लेट, अल्ट्रा डिंपल की, स्क्रू, फिटिंग के लिए जरूरी टूल्स की यादी, पेंसिल, मेजरिंग टेप, ट्राई स्क्वायर, हैंड ड्रिल, हैंड फाइल, चीजल, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, हैक्सॉ, सेंटर पंच। पहला स्टेप है दरवाजे को तैयार करना। ये वीडियो लेफ्ट हैंड इनसाइड ओपनिंग डोर के लिए है। दरवाजे पर अंदर और बाहर की तरफ 100 सेंटीमीटर ऊंचाई पे निशान लगाइए। मार्कर डायग्राम फोल्ड करें और 100 सेंटीमीटर लाइन के सेंटर में रखें। सेंटर होल ए दरवाजे के अंदर की तरफ मार्क कीजिए। दरवाजे की मोटाई के अनुसार सेंटर होल बी को मार्क कीजिए। इसी तरह दरवाजे के बाहर की ओर होल सेंटर ए मार्क करें। मार्कर निकाले और दरवाजे की दोनों तरफ से होल सेंटर ए पर 40 mm डायमीटर का होल ड्रिल करें, जिससे होल सीधा रहे। होल सेंटर बी पर 25 mm डायमीटर का 85 mm गहरा होल ड्रिल करें। दूसरा स्टेप है लॉक को डिसेंबल करना। चाबी को कीसाइड बॉडी से बाहर निकालें। नॉब साइड बॉडी या प्लेन बॉडी के कैप को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकालें। स्क्रू निकालें और दोनों बॉडी को अलग करें। अगला स्टेप है लैच असेंबली फिटिंग। लैच फेस प्लेट का डोर एज पर निशान करें। चीजल की मदद से निसार अनुसार 3 mm गहरा खांचा बनाइए। डोर ओपनिंग अनुसार लैच बोल्ट को होल में इंसर्ट करें। लैच बोल्ट की फेस प्लेट और डोर एज एक समान रहनी चाहिए। फेस प्लेट पर दिए गए होल का निशान करें। निशान अनुसार 3 mm डायमीटर का 20 mm गहरा होल ड्रिल करें। स्क्रू की मदद से लैच बोल्ट असेंबली को फिट करें। अगला स्टेप है सिलिंड्रिकल लॉक सेट फिटिंग। दरवाजे की बाहर की तरफ कवर रिंग और की साइड बॉडी को रखें। लॉक बॉडी के फिंगर आर्म्स लैच फॉलोअर गाइड में इंसर्ट होने चाहिए। दरवाजे की अंदर की तरफ कवर रिंग और स्क्रू के साथ नॉब साइड बॉडी को रखें। स्क्रू को हल्का सा टाइट करें और प्रेस बटन दबा के प्रॉपर लैच मूवमेंट चेक करें। बाद में दोनों स्क्रू को फुल टाइट करें। फिर से एक बार लैच मूवमेंट चेक करें। अगला स्टेप है नॉब साइड बॉडी कैप फिटिंग। कैप को सीधा पकड़े और डेडलॉक नॉब वर्टिकल रखें। लग को बॉडी के नॉच में डालकर कैप प्रेस करें। क्लिक आवाज आने पर कैप फिट हो जाएगी। डेड बोल्ट नॉब और पुश बटन चेक करें। अगला स्टेप है डोर प्लेट फिटिंग। डोर फ्रेम पर लैच बोल्ट का निशान करें। लैच बोल्ट के सेंटर में डोर प्लेट की बॉर्डर बनाइए। मार्क पोजीशन पर 18 mm डायमीटर का 15 mm गहरा लैच होल ड्रिल करें। चीजल की मदद से मार्किंग अनुसार 3 mm गहरा खांचा कीजिए। खांचे में
डोर प्लेट को बैठाकर होल पोजीशन मार्क करें। 3 mm डायमीटर का 10 mm गहरा स्क्रू होल ड्रिल करें। डोर प्लेट को स्क्रू की मदद से फिट कीजिए। इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए घर के अंदर की तरफ नॉब से लॉक खोल बंद करें। घर के बाहर की तरफ चाबी से लॉक खोल बंद करें।